हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक नए डिजाइन का पायदान बनाना सीखेंगे। ये देखिए, इसको हमने काफ़ी बड़ा बनाया है, दो कलर से बनाया है। ये देखिए, ये कली वाला पायदान है। ये इतना बड़ा बना है फिर भी इसमें छह कली ही बनी हुई है। ये देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने जो बताया था उसमें नीचे से दो दो फंदे छोड़े थे, इसमें हमने एक एक फंदे छोड़े हैं हर बार, क्योंकि जब ये छः कली बनी है, अगर दो दो फंदे छोड़ते तो इसमें 12 कली बनती, अगर आप तीन तीन छोड़ के बनाओगे तो इसमें 18 कली बनेगी। तो ये देखिए, छः छः कली, ये जिस हिसाब से फंदे छोड़ते हैं वैसे ही कली कम और ज़्यादा होती है। एक एक छोड़ेंगे तो छः, और दो दो छोड़ेंगे तो उसकी डबल हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और तीन तीन अगर यहाँ से छोड़ते हुए बनाते हैं तो 18 कली हो जाएगी। देखिए, देखने में कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा पायदान बना है और काफ़ी बड़ा है। हमने इसे 40 फंदे से बनाया है, 40 फंदे से। ये देखिए, अब मैं आपको बना करके बताती हूँ। देखिए, इसको बनाने के लिए हमने ये 8 नंबर की सिलाई ली हुई है फ्रेंड्स, और ये कपड़े की पट्टी है। दो कलर से मैं बना रही हूँ जैसा हमने अभी दिखाया है। तो सबसे पहले इस पर नॉट लगा लेंगे। देखिए, हमने एक नॉट लगा लिया। अब फंदे डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से फंदा डालना बहुत ही आसान है। ये देखिए, इस तरह से क्रॉस में लेते हुए, ये देखिए, देखिए दो, एक नॉट जो लगाया था उससे फंदा था, दूसरा ये डाल लिया। ये देखिए, तीन हो गया। ये देखिए, ये चार, ये देखिए पाँच। इसी तरह से हम ये जो पायदान है इसको हमने 40 फंदे से 40 फंदे से बनाया है। अब मैं आपको 20 फंदे डाल करके बता रही हूँ। तो अब इस तरह से हम इसमें 20 फंदे डाल लेते हैं, 20 फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें ये 20 फंदे डाल लिए हैं। ये देखिए, अब इसको पहले सब पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना करके कम्प्लीट कर लेंगे, जैसे हम उल्टा उल्टा बुनते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इसमें पहली सिलाई थोड़ा आराम से निकालते हैं, नहीं तो ये खींच जाएगा। ये देखिए, इसी तरह से हम ये पूरा बना करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से उल्टा उल्टा बनाते हुए ये पूरा लाइन कंप्लीट करते हैं। आप, मैं इसे साड़ी से बना रही हूँ, इसमें दो साड़ी लगी हुई है। ये देखिए, आप इसे चुन्नी, माइक्रेम, ऊन या आपके पास कोई कपड़ा पड़ा है तो आप उससे भी बना सकते हो फ्रेंड्स। जैसे मैंने ये बनाया हुआ है, तो आप ये कली जो है इसको आप अलग अलग कलर से भी बना सकते हो। इसमें जैसे आप चुन्नी से बनाते हो और एक साड़ी हो, तो एक साड़ी से ये पूरा ये तीन कली बना लो, और ये कली चुन्नी से अलग अलग कलर से बना सकते हो। अगर आपके पास चुन्नी और साड़ी दोनों हो तो इस तरह से भी बना सकते हो फ्रेंड्स। ये देखें, हमने पूरी सिलाई बना उल्टे की बना करके कंप्लीट कर ली है। अब ये लास्ट में यहाँ से हम एक फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए, और इधर सीधे साइड से कुछ भी नहीं करना है, इधर सीधे साइड से सभी फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं। ये देखिए, ये देखिए, सीधे साइड से भी हमने पूरी सिलाई बना करके कंप्लीट कर ली है। ये देखिए, ये पहला फंदा हम उतारते हैं, तो पहला फंदा उतार लेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। ये देखिए, अब सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। पहले जैसे हमने एक फंदा यहाँ से छोड़ा था, दोबारा फिर अब यहीं यहाँ से एक फंदा और छोड़ देंगे। तो हर बार हमें यहाँ से एक एक फंदा छोड़ना है और दोनों साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है, और यहाँ इस साइड से पहला फंदा हर बार उतार लेंगे। देखिए, पट्टी को अपने साइड कर लिया है, अब सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, आपको जितना भी बड़ा बनाना है, आप 30, 35, 40, 45 कितने भी फंदे डाल सकते हो। इसमें कोई 2 के मल्टीपल से या किसी से फंदे नहीं डालने, क्योंकि हमें फंदे एक एक छोड़ने हैं, तो आप कैसे भी फंदे डाल सकते हो। आपको जितना बड़ा बनाना है आप उस हिसाब से इसमें फंदे डाल सकते हो। ये देखिए,
अब ये दो फंदे हमने छोड़ दिए हैं, अब यहीं से पलट गए, अब इधर सीधे साइड से सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ, आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, पूरी सिलाई बना करके हमने कंप्लीट कर ली है। अब वापस यहाँ से फिर एक फंदा, ये पहला फंदा उतार लेंगे। ये देखिए, पट्टी को अपने साइड कर लिया। ये देखिए, ऐसे ही उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप सीधा सीधा बनाना चाहते हो तो जैसे हम दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुन रहे हैं, वैसे ही आप दोनों साइड से सीधा सीधा भी बुन सकते हो। जब भी ये उल्टे की लाइन बन करके आएगी, जैसे ये उल्टा बुन रहे हैं, ऐसे ही आप इस तरह से सीधा सीधा, लेकिन ये सीधा सीधा आपको दोनों साइड से बनाना पड़ेगा। ये देखिए, तो आप उस तरह से सीधा सीधा बना सकते हो। दोनों साइड से बनाओगे तो ऐसे ही उल्टे उल्टे की रो बन करके कंप्लीट होगी। ये देखिए, ऐसे ही ये देखिए, दो फंदा हमने पहले छोड़ा था, एक और छोड़ दिया। वापस अब यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए, सिर्फ हमें इस साइड से एक एक फंदा छोड़ना है यहाँ से, और इधर से कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, और सीधे साइड से कुछ भी नहीं करना, उल्टे साइड से सिर्फ एक एक फंदा छोड़ना है। सीधे साइड से सभी फंदे ऐसे उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए, मैं एक बार और आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, देखिए सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदे उल्टे उल्टे हमने बना लिए हैं। उल्टे साइड से जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहला फंदा हमें उतार लेना है, क्योंकि ये फंदा हम सिर्फ एक साइड से बुनते हैं। और पट्टी को अपने साइड कर लिए और सभी फंदों को बाकी उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए, एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए, अब एक एक करके ये चार फंदे छूट गए। देखिए, एक दो तीन चार, इस तरह से ये चार फंदे छूट गए। अब यहीं से पलट जाएंगे और इधर साइड से सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। इसी तरह से हम सभी फंदे छोड़ लेते हैं, लास्ट में ये एक फंदा रह जाएगा। यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये लास्ट का रह गया है। ये पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने साइड कर लिया। ये देखिए, अब हमने इसको भी छोड़ दिया। अब वापस यहीं से पलट जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे जब एक एक फंदा हम उतारते हैं तो ये देखिए, ये चोटी से बनती है जो देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। ये देखिए, अब ये लास्ट में रह गया है, तो इसको हम अब, ये देखिए, पहला फंदा उतार लिया, पट्टी को अपने साइड कर लिया। अब ये लास्ट का छोड़ने का रह गया है, तो अब इसको हम बुन लेंगे। और साथ में अब ये सारे फंदे जितने हमने एक एक करके छोड़े हैं, ये सभी फंदे बुन लेंगे। अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं, साथ में इसको बुन लेंगे। ये देखिए, अब जितने भी फंदे हमने एक एक करके छोड़े थे, इन सभी फंदों को एक ही सिलाई में बुन लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अब इस पट्टी को इधर कर लेंगे और इस फंदे को अभी इसी में उतार लेंगे, अभी इसको बुनेंगे नहीं, क्योंकि अब हमें यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी लगानी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जितने भी फंदे हमने छोड़े थे एक एक करके, इन सभी को हमने एक सिलाई में बुन लिया है, और इस तरह से ये एक कली बन करके कम्प्लीट हो गई है। ये देखिए, अब यहाँ से हम दूसरे कलर की पट्टी लगाएंगे। ये देखिए, इस वजह से हमने इस फंदे को उस साइड से बुना नहीं है, नहीं तो जो इसका गोला है वो बड़ा हो जाएगा। इस वजह से अब हम यहाँ से इसको बुन लेंगे। ये देखिए अब यहाँ से हम बुन लेंगे, तो इस पट्टी को इस तरह से लगा करके, और अब ये जो रह गया इस पट्टी के बीच में ले लेंगे। इसका जो ये किनारा है,
इसको इसके बीच में ले लेंगे तो ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये देखिए, अब पूरी सिलाई इसी कलर से बुन लेंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से। अगर आप इसको उल्टा रखना चाहते हो, अगर इसको सीधा, तो ये जितने भी फंदे छूटे हुए थे उनको बनाने के लिए यहीं से दूसरे कलर की पट्टी लगा लेना होगा यहाँ से। लेकिन हमने तो क्या किया, ये जो कली बनी है इसी से सभी फंदों को बुन लिया है। अब उसके बाद यहाँ से ये कलर लगाया है। ये देखिए, एक बार मैं आपको ये कली भी बना करके दिखा देती हूँ कैसे बनाते हैं। पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया। ये देखिए, सभी फंदों को इस तरह से बुन लेंगे जैसे बनाते हैं उल्टा उल्टा। ये देखिए, जैसे हमने ये कली बनाई थी, एक एक फंदा यहाँ से छोड़ा था, अब वैसे ही यहाँ पे भी एक फंदा छोड़ देंगे और यहीं से वापस पलट जाएंगे। ये देखिए, इधर साइड से हमें कुछ भी नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। ये देखिए, हमने उल्टे उल्टे सभी फंदे बुन लिए, पूरी सिलाई बना करके कंप्लीट कर ली है ये। अब ये देखिए, एक बार मैं और आपको बता देती हूँ, फिर ऐसे ही सभी कली बन जाएंगे। ये देखिए, पहला फंदा उतारेंगे, पट्टी को अपने साइड कर लिया और देखिए सभी फंदे उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए, देखिए उस बार हमने एक फंदा छोड़ा था, एक इस बार और छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स, तीन कली इसकी और तीन कली इसके बना करके कंप्लीट कर लेंगे जैसे हमने इसमें बनाया है। ये देखिए, ये देखिए, इसमें टोटल छः कली हमने बना रखी है। अब ये देखिए कैसे फंदों को बंद करते हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगी। ये देखिए, हमने इसकी छः कली बना करके कंप्लीट कर ली, हमने फंदे नहीं बंद किए थे। अब देखिए फंदे कैसे बंद करते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, एक फंदा ये और ये दो फंदे एक साथ बुन देंगे। ये देखिए फंदा घट गया, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया और इनको एक साथ बुन दिया। ये देखिए, इस तरह से ये दो फंदे घट गए, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, इनको एक साथ बुन दिया। ये देखिए, इसी तरह से सभी फंदे घटा देंगे। ये देखिए, इसी तरह से सारे फंदे घटा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे फंदे बंद कर लिए हैं पूरा। ये देखिए, बंद करके कंप्लीट हो गया है। देखिए, अब इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे। सबसे पहले इसको उल्टा कर लेते हैं। ये देखिए, उल्टा करके यहाँ से इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इसके लिए हमने ये देखिए बड़ी ये सुई ली हुई है, मोटा धागा है, इसको मैंने डबल किया है। आप ऊन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पतले धागे से सिलाई टूट जाएगी। ये देखिए, अब सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से नॉट लगा लेंगे एक, बीच में से निकालते हुए। ये देखिए, जिससे कि ये यहाँ से सिलाई खुले नहीं। और ये देखिए, इसके बीच में से इस तरह से निकालते हुए ऐसे सिल लेंगे। ये जो पट्टी थोड़ी सी रह गई, इसको इसके बीच में दबा लेंगे जिससे कि ये खुले नहीं। ये देखिए, जो मैंने यहाँ पे फंदे डाले हैं और ये जो घटाए हैं, दोनों की फली से फली मिलाते हुए ये देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सिल करके कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है, ये पूरा कंप्लीट हो गया है। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है, और ये काफ़ी बड़ा है, हमने ये 40 फंदे का बनाया हुआ है। आप इसी तरह से जितना बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो। ये देखिए, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
आपको ये पायदान की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।